The students who are thinking or who are planning to do some short-term research during their academic program, be it UG or PG. So, simply बात करते हैं कि रिसर्च में बेसिकली कर क्या सकते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट आप UG में है और आपको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए या आपके पास थोड़ा सा भी समय है, तो जब आप अपने आपके घर पे दूध देने वाले तो आते होंगे या आप खुद जाते होंगे दूध लेने, तो थोड़ा सा उस फार्मर के पास जो मिल्क प्रोड्यूसर है उसके पास बैठिए और थोड़ा उससे डिस्कशन कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो सबसे पहला स्टेप है पूरी रिसर्च में वो है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब आप अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के समझिए कि अगर आप ही उसकी जगह पे हैं तो कैसे मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या उसे रेट मिलता है नहीं मिलता है और किस तरीके की चैलेंजेस वो डील करता है, क्या उसके लिए सक्सेसफुल पॉइंट है, क्या उसके चैलेंजिंग पॉइंट है। इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप एक अच्छा सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है एम्पैथेटिक तरीके से अपने जो की सेगमेंट है या स्टेक होल्डर है जिसको हम कह सकते हैं उसके साथ आपको बात जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप मिल्क में इंटरेस्टेड है तो आपको डेयरी फार्मर से बात करनी पड़ेगी, और जब भी कभी बात करते हैं ना तो फोकस एक ही जगह पर नहीं रखना है कि हमें सिर्फ डेयरी फार्मर से बात करनी है। आपको जितने भी लोग उस चेन में आते हैं मिल्क से रिलेटेड, जैसे अगर हम मिल्क डोमेन में बात करते हैं तो डेयरी फार्मर हुआ, फिर मिल्क कलेक्शन सेंटर हुआ, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे चाय की दुकान है सबसे ज़्यादा मिल्क वहाँ पे भी कंज्यूम होता है, हर शहर में पाया जाता है। अब थोड़ा वहाँ पे भी पूछिए कहाँ से दूध आता है, कितना दूध लेते हैं, किस टाइप का दूध लेते हैं, दिन में कितनी खपत हो जाती है। फिर उसके बाद साथ ही साथ में आप कुछ जो हर शहर में कोई कोई मिठाई दुकान होती है जो हमें फेमस होती है, आप उसके पास जाके पूछिए कितना कंजम्पशन होता है, किस तरीके से, क्या वो फैट पे लेते हैं या एसिडिक पे लेते हैं, क्या वो वाकई वो क्वालिटी के ऊपर कंसर्न करते हैं या बस ऐसे ही कुछ भी ले लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और हर चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा जो मिल्क की वैल्यू चेन है उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। तो फार्मर से लेके आप एक पूरी चेन बना सकते हैं। आपके पास समय नहीं है तो आप एटलीस्ट फार्मर से बात कीजिए या एक कोई सेगमेंट ले लीजिए कि आप उस पर बात करने की कोशिश कीजिए, उनके मेन चैलेंजेस क्या हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि रिसर्च में कि आप एक बार बैठेंगे और सब कुछ कर लेंगे, तो छोटा छोटा पार्ट करेंगे। आपका 5 साल का यूजी का प्रोग्राम है, 2 साल का पीजी का है, कहीं भी आपको इंटरेस्ट आता है कभी भी आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना। अगर आपको फार्मर से भी इंटरेक्ट करना है तो आप अपने घर पर ही जो फार्मर दे रहा है उससे बात कीजिए, इवन आप अपनी मदर से बात कीजिए कि जो भी मिल्क आता है उसमें क्या क्वालिटी के बारे में उनका क्या कंसर्न रहता है, क्योंकि कई बार ऐसी नॉलेज वो भी दे देती हैं जो आप अपनी किताबों में नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आपको जेन्युइनली रिसर्च के बारे में सोचना है, कुछ बिजनेस के बारे में सोचना है आप, तो आपको थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। और जब बात करते हैं ना तो बात इसलिए नहीं करते कि सिर्फ बात करनी है, आपको सुनने के लिए बात करनी पड़ेगी। और ये जो लिसनिंग है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज़ अ एक्सटर्नल लिसनिंग एंड देर इज़ इंटरनल लिसनिंग। तो जो एक्सटर्नल लिसनिंग होता है कि जैसे जो जो उसने बताया, फार्मर ने बताया कि साहब हमारे पास ऐसा ऐसा है, ये है, ये चारा की समस्या है, ये फिर हमें दवाइयों की समस्या है या किसी भी तरीके की बीमारी आ जाती है हम नहीं समझ पाते हैं, या इनफर्टिलिटी का कोई अपना बताया अपने हिसाब से उसने, आपने उसको नोट कर लिया। तो एक तो तरीका हुआ जो चीज़ बताई गई आपने उसको नोट कर लिया और आपने एक उसके ऊपर पेपर छाप दिया, आजकल जो बहुत कुछ होता है और उसी में आप खुश हो जाते हैं, वो रिसर्च नहीं है। वो उस पर क्या आपने एक इन्फॉर्मेशन लिया उसको आप शेयर कर दिया, इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं, आपने क्या उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, आपको इंटरनली लिसन करना है, आपको ये समझना है कि वो जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है अगर वो बता रहा है तो उसके थोड़ा सा ट्रेस करना है कि क्या वजह रही हो। जो कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब आप उससे पूछिए कि आपके लागत कितनी आ रही है एक लीटर दूध की, तो फार्मर बता ही नहीं पाता। तो थोड़ा आप भी इकोनॉमिक्स को, जरूरी नहीं कि जब तक आपका सिलेबस नहीं आएगा, जब तक आपका कोर्स नहीं आएगा तब तक आप इकोनॉमिक्स आप नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स आप कभी भी पढ़ सकते हैं ना, और ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको अगर आपको बिजनेस में आना है या रिसर्च करना, रिसर्च में भी आपको इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी क्योंकि आप बहुत हाईफाई रिसर्च कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे अगर उसका यूजर ही नहीं है तो ऐसी रिसर्च का क्या फायदा। जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिसका फायदा डाउन द लाइन फार्मर को या एक ओवरऑल समाज को मिले, ना कि सिर्फ एक थीसिस बन के लाइब्रेरी में चली जाए।